अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मीटिंग किस लिए है, क्या बोलने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ आज पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, टीचर्स भी बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। इन सब की मौजूदगी में क्या टॉपिक हो सकता है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा और बहुत सारे चीज़ें जो आपने रियलाइज नहीं करी होंगी। ज़िंदगी में चीज़ें भी होती रहती हैं, हम लोग उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये जो आज आप सुनेंगे ये एक बड़े एक्सपीरियंस का जो है आपके रिजल्ट है, परिणाम है, आप ये कह सकते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे आपको। 25 सालों से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, 25 साल से इस जर्नी में हम हैं और लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं, जो कि शायद नॉर्दर्न इंडिया में कोई भी टीचर जो है इस मुकाम को नहीं छू पाया होगा, या फिर अगर है तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे। तो सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, चाहे वो कंपटीशन के हों या स्कूल कॉलेजेस के हों। इसलिए जो आपको आज मिलने जा रहा है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी किताब में नहीं लिखी, किसी डायरी में नहीं लिखी, किसी टीचर ने आपसे डिस्कस ना किया होगा, और कुछ नए एक्सपीरियंसेस और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स जो आप बैठे हुए हैं इतनी तादाद में, हम सब का फर्ज क्या है, हम सब लोग को क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है, एक पेरेंट का अपने बच्चे की तरफ, एक टीचर का अपने बच्चे की तरफ, एक स्टूडेंट का टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स आल्सो एंड टुवर्ड्स देयर टीचर आल्सो। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कशन के दरमियान हम लोग यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं, बच्चों आप लोग ये बताएं कि आपके लाइफ में बुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या टीचर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बुक्स, अच्छा, टीचर्स। अलग अलग जवाब है, कोई कहता है बुक ज़रूरी है, कुछ कोई कहता है टीचर ज़रूरी है। हम लोग सारी चीज़ कैसे सीखते हैं? अपनी हिस्ट्री से सीखते हैं। पुराने अगर हम दौर में जाएं, थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हमें ये सारी चीज़ें हम लोगों का जो धर्म है वही बता देता है। आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आसमानी किताबें कितनी हैं, कितनी ऐसी किताबें हैं जो आसमानी किताबें उतरी? 4, वेरी गुड। और कितने ऐसे टीचर्स आए, कितने नबी हुए हमारे? जो नबी हैं वो तो हमारे टीचर्स हैं ना। तो अल्लाह ताला ने जो नबियों को बना करके भेजा, या नबियां जो हैं आपके हम लोगों के लिए उतारे गए या हम लोगों के बीच रहे, तो वो भी एक टीचर थे जिन्होंने अल्लाह ताला की जो मैसेजेस थे, जो कलाम पाक में थे, लोगों तक सही जरिए से पहुंच सकें, अच्छी तरह पहुंच सकें, लोग समझ सकें उन चीज़ों को, इसलिए टीचर का जो है आपके एक तरह से सहारा लिया। तो 1,24,000 हमारे नबी आए। तो हमें तो ऐसे ही पता चल जाता है कि हमारी किताब तो ठीक है, किताब तो ज़रूरी है, लेकिन हमें टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो हम सबसे पहले शुरुआत टीचर्स से ही करेंगे। तो जितने भी हमारे नबी आए वो क्या थे, वो टीचर्स थे। उन्होंने हम लोग को चीज़ों को बताया, हम लोग ने उसको फॉलो किया। और जो हमारे आखिरी नबी थे वो कौन थे? यस, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो थे वो हमारे आखिरी नबी थे। अब कोई नबी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारी टीचिंग्स अल्लाह ताला को जितनी देनी थी वो उन्होंने कलाम पाक के जरिए नीचे उतार दी और नबियों के जरिए हम लोगों को सारे मैसेजेस पहुंचा दिए। क्योंकि हम लोगों तक सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं, सब कुछ हम लोगों को पता चल चुका है, अल्लाह ताला का क्या फरमान है ये पता चल गया। तो अब हम लोगों के ऊपर ये है कि हम लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं। अब वो भी हम लोगों के नबियों ने हम लोगों को सिखाया अपनी जिंदगी को जी करके कि हाँ हम लोग इस तरह से जो है अपनी जिंदगी को बसर करें। तो जितने भी नबी आए उनमें क्या क्वालिटीज थी, आज जिसको देखो, जिसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, हर आदमी क्या है, टीचिंग करने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है, एक ऐसा सस्ता प्रोफेशन हो गया है, जो चाहे वो टीचर बनता चला जा रहा है। तो क्या हम सभी टीचर्स हैं? क्या कोई अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर हो सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर एक अच्छे टीचर में कम से कम चार क्वालिटीज होना जरूरी है, जो हमारे सभी नबियों में थी। चार मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो कि एक टीचर के अंदर होना चाहिए वो जरूर है। और जितने लोग टीचर हैं वो इन चार चीजों को अपने अंदर जरूर खोजें, और जिसके अंदर ये नहीं है इसको डेवलप करने की कोशिश करें या क्विट कर जाएं, क्योंकि ये चीज होना जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए एज अ टीचर, तो वो क्या आती है? रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी अगर नहीं है तो टीचर इफेक्टिव नहीं होगी। अगर मान लीजिए एक हफ्ते में चार दिन हम आकर के पढ़ा रहे हैं और तीन दिन नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारी इफेक्टिवनेस जाएगी, स्टूडेंट पर इंपैक्ट गलत होगा, स्टूडेंट्स का लॉस होगा। और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बनी रहेगी तो इफेक्टिवनेस बनी रहती है। यही चीज हम लोग फिर अपने अगर पुराने दौर में लौटें और नबियों को देखें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम पाते हैं? रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। भले ही लोग क्रिटिसाइज करते थे, लोग उन्हें गाली देते थे, लोग उन्हें पत्थरों से मारते थे, लेकिन क्या वो अपने काम से रुक जाते थे? वो कंटिन्यूअस अपने काम से लगे रहते थे। रोज वही काम होता था, सुबह उठ करके जो है दीन की तालीम आगे की तरफ पहुंचाना, फैलाना, अगले दिन फिर वही काम, रोज वही काम, 365 में 365 वही काम। तो 365 में 365 दिन अगर इंसान वही चीज कर रहा है तो उसके अंदर इफेक्टिवनेस भी आएगी, एफिशिएंसी भी आएगी, और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी होने से लोगों के नजर में भी चीजें आती हैं कि हाँ वो इंसान क्या बताना चाह रहा है उसकी तरफ आदमी तवज्जो कर देता है। तो इसलिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए वो क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में कोई डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई कहीं बात कर रहा है, तो ये टीचर नहीं हुए। टीचर को ये देखना चाहिए कि उसका क्लास डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करेंगे तो आप भी डिसिप्लिन्ड रहेंगे और आपका स्टूडेंट भी डिसिप्लिन्ड रहेगा। एक लाइफ जीने के लिए लाइफ को डिसिप्लिन्ड होना है, और बच्चे सारी चीज अपने टीचर से सीखते हैं, क्योंकि टीचर्स से सीखते हैं इसलिए उनके साथ क्या है, वो जब ये देखेंगे कि हमारा टीचर ही इनडिसिप्लिन है, दो टीचर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, क्लास चल रहा है,
आप पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक से, या मजाक कर रहे हैं, जिस तरह का आप मजाक करेंगे उसी तरह बच्चे भी मजाक करेंगे, आप सीरियस हो जाएंगे बच्चे भी सीरियस हो जाएंगे। तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप टीचर नहीं है। हमारे नबियों को देखिए, सब ने अपनी एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जी। अगर वो डिसिप्लिन ना होते तो उनके फॉलोअर्स क्या उनको फॉलो करते? नहीं करते। उसी तरह से टीचर्स को भी डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि किसी भी क्लास में अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। तो डिसिप्लिन दूसरी बड़ी क्वालिटी है जो किसी एक टीचर के अंदर होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो किसी टीचर के अंदर हो वो क्या हो सकती है? वो होती है नॉलेज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज है, नॉलेज। जब आप कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको आपको पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी चीज को पढ़ के पढ़ा देना, आदमी कहता है कि हर आदमी टीचर क्यों बनना चाहता है, अरे लिखा जो है उसको समझने में कितना टाइम लगेगा, बच्चों को बताने में कितना टाइम लगेगा। नॉलेज उसको नहीं कहते, नॉलेज उसको कहते हैं कि जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप किताब कॉपी नोट्स कुछ भी लेकर के अगर क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं और देख करके पढ़ा रहे हैं तो अप टू द मार्क आप नहीं हैं, आपकी नॉलेज अधूरी है। पहले आप अपनी नॉलेज को पूरी करिए। इसीलिए कहा जाता है टीचर को हमेशा पढ़ना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमारे सिलेक्शन के बाद अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम सिलेक्ट हो गए, हम टीचर बन गए, हमें जॉब मिल गई टीचर की, अब उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं। वहीं से तो पढ़ाई शुरू होती है, वहीं से जब जब आपका सिलेक्शन हो जाए ऐसा टीचर तो वहीं से तो पढ़ने की जरूरत है। अगर हम 45 मिनट का क्लास ले रहे हैं तो 45 मिनट के क्लास के लिए कम से कम हमें 2 घंटा पढ़ना जरूरी है। एटलीस्ट नजर तो मार लें अपने नोट्स पर, अपना खुद का नोट्स बनाएं, टीचर खुद नोट्स बनाए और खुद टीचर उसके थ्रू हो करके जाए, जिससे कि क्लास में पहुंचा, क्लास में पहुंच करके कोई भी चीज डिलीवर कर रहा है, बच्चे को भी अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें जब वो ये देखता है कि हाँ हमारे टीचर को बहुत अच्छी तरह आ रहा है और हमारे टीचर बहुत अच्छी तरह से उसको कम्युनिकेट कर रहा है। तो चौथी चीज जो है वो कम्युनिकेशन ही। फोर्थ जो पॉइंट है जो किसी एक अच्छे टीचर में होना चाहिए वो कम्युनिकेशन ही है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। मान लीजिए नॉलेज बहुत है, इसीलिए कहा जाता है कि हर अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर कोई जरूरी नहीं है हो। क्यों? स्टूडेंट सारी चीज जान तो रहा है, आप पढ़ के तो आ रहे हैं, आपको सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन आप बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी क्या हुई? बहुत कमजोर हुई। हम क्या बताना चाह रहे हैं बच्चे समझेंगे नहीं। तो बच्चों को समझ में आना जरूरी होता है। तो बच्चों को समझ में तभी आएगा जब आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर स्ट्रांग होगी तो ऐसी कंडीशन में आप हर एक चीज अच्छे से एक्सप्रेस कर ले जाएंगे, बच्चों को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में बच्चों को पढ़ना क्या है। ये चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने डिस्कस क्या किया? चार चीजें जरूरी हैं जो कि किसी टीचर के अंदर होना चाहिए। पहली क्या हम लोग ने डिस्कस किया? दैट इज रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज। और चौथी कम्युनिकेशन स्किल। ये चार ऐसी बातें हैं जो हर टीचर अपने अंदर खोजे, और अगर आपके अंदर नहीं है ये चार चीजें तो उन चार चीजों को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा हर चीज में लैक करेंगे। अब टीचरों के अगर हम टाइप देखें, हमने कहा कि हर इंसान आज टीचर बना बैठा है, कोई भी ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, टीचिंग प्रोफेशन अपना लेता है, टीचर बन जाता है। तो टीचिंग प्रोफेशन जो आपके है
ये टीचिंग प्रोफेशन ने ढेर सारे लोगों को टीचर बना दिया है। इसमें तीन वैरायटी के टीचर होते हैं। पहले टाइप कौन होते हैं? ये सैलरी ओरिएंटेड टीचर होते हैं। सैलरी ओरिएंटेड के मतलब बहुत सारे लोग अपने घर से निकल पड़े हैं एक टीचर बनने के लिए, इसलिए क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको सैलरी से मतलब है, सैलरी उनके अकाउंट में आती जाए, उसके अलावा उनकी क्या ड्यूटी है, उनको क्या पढ़ाना है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो पहले प्रकार के टीचर ये होते हैं, जो कि एक्चुअल में टीचर की श्रेणी में नहीं आते। दूसरे तरह के टीचर कौन होते हैं? वो होते हैं सिलेबस बेस्ड टीचर। उनके माइंड में ये रहता है कि भाई मैंने ये प्रेशर रखे हुए है, इतना सिलेबस करना है, तो इसलिए हमें इतना पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो इसलिए अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमसे पूछा सिलेबस हमें कवर करना है, एनी हाउ हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, भले ही बच्चों के समझ में आए या ना आए। तो सिलेबस दिमाग में रहता है, सिलेबस से एक इंच इधर भी नहीं होना है, इधर भी नहीं होना है, सारी चीजें हमारी सिलेबस की कंप्लीट हो जाए, बस ये मोटिव रहता है। और इन दोनों तरह के टीचर्स को अगर हम लोग देखें तो ये 99.9999% पाए जाएंगे। 0.00001% में ऐसे टीचर होते हैं जो टीचर कहलाते हैं, जो टीचर होने चाहिए। तो वो तीसरा टाइप क्या होता है? तीसरे टाइप टीचर होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर। रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर क्या होते हैं? ऐसे टीचर जिनको हर वक्त इस बात का चैन हो नहीं होता कि हाँ उन्होंने जो पढ़ाया है वो ठीक से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, मतलब वो व्याकुल रहते हैं, वो ये जानने के लिए कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को आया या नहीं आया, जो हमने बताया वो बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, हमने जो बताया वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, हमने जो चीजें आपको बताई वो सारी चीजें जो हैं आप ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में उनको हेल्प बच्चों को करेंगी या नहीं करेंगी, ये मेन मोटिव होता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर एक्चुअल में टीचर होता है जो खुद अपना पढ़ाने के बाद खुद से एनालिसिस कर लेता है कि हमने आज कैसा पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, हम जो चीज बता रहे हैं वो बच्चों को समझ में आई या नहीं आई। तो ये सारी चीजें जो समझ में आने वाली चीजें हैं वो आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर में जो है आपके ये चीजें दिखती हैं और होती हैं। तो इसलिए हमारा जितने भी टीचर्स हैं, हम लोगों को क्या होना चाहिए, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर बनना चाहिए, चार मेन क्वालिटीज के साथ जो हम लोग ने आपके डिस्कस करी। जो चार मेन क्वालिटीज टीचर के अंदर होनी चाहिए, उन बातों को दिमाग में रखते हुए और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर अगर बने तो हम बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और उनके फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे। और ये चीज़ें सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, टीचर को देखिए सेकंड पेरेंट कहा जाता है। सेकंड पेरेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा समय टीचर के साथ ही रहता है। सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ रहता है? पेरेंट्स के साथ। इसलिए मेन टीचर्स वही होते हैं। लेकिन आजकल जैसे पेरेंट्स का भी कॉन्सेप्ट ये है कि स्कूल भेज दिया तो सारी चीजें स्कूल में ही होंगी, बच्चा स्कूल से ही सारी चीज सीखेगा, बच्चे को सारी चीज स्कूल वाले ही कराएं, हमारा कोई काम नहीं, हमने स्कूल भेज दिया, बच्चा खाली स्कूल से सारी चीज सीख के आए। गलत है ये चीज। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चा आपका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, डे टू डे जो है आपके लाइफ में वो उसका किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। एटलीस्ट उसको जब होमवर्क दिया जाता है तो वो बच्चा होमवर्क करके ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, ये सब कौन देखेगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स की भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो बहुत सारे जो आपके टीचर्स हैं उन टीचर्स को सबसे पहले हम लोग ने पकड़ा और हिदायत हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई इस तरह से एटलीस्ट आप अपनी टीचिंग को
ले जाएं उस स्टैंडर्ड पे जहां पर आप भी सेटिस्फाइड रहें और सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट को भी हो, स्कूल को भी हो, पेरेंट्स को भी हो, बच्चों को भी हो। और आपको यकीन बता दें कि जो टीचर इस तरह का नहीं होता, सैलरी ओरिएंटेड है, दिमाग में पैसा बसा हुआ है, तो अगर आप अपने काम से दूर जाते हैं, आपको इस काम को करने के लिए सैलरी दी जा रही है, आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ नजर में आने के लिए सिर्फ इन कामों को कर रहे हैं, जैसे ही आपका मैनेजमेंट या टीचर या प्रिंसिपल जैसे ही आपके एक तरह से दूर होता है, हम अपने रंग ढंग में ढल जाते हैं, हम अपने अगर काम चोरी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये पैसा हराम है। जो टीचर का पैसा है सैलरी, जब हम वर्क करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम वर्क ना करके अगर हम पैसे को कमा रहे हैं तो वो हमारे लिए हराम है। इस बात को ध्यान रखें। तो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला है, बहुत ही ज्यादा जो है रेप्यूटेड है, जहां पे एक टीचर को एक ओहदा दिया जाता है। देखिए हमारे नबी जितने हुए, 124,000 नबी हुए, तो उनको क्या आज जो है मुकाम हासिल है। आज भी दुनिया रहते हुए हम लोग उनका नाम लेते रहेंगे। तो एक टीचर का जो रोल होता है वो किसी की जिंदगी को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए हम लोगों को इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमारे अगर हम वापस जाएं तो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लाइफ को अगर हम लोग देखें तो वो भी क्या है, वो अगर चाहते तो उनको क्या नहीं हासिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जी करके दिखाया, उन्होंने सारी चीजों को करके दिखाया। वो प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो इस तरह से उन्होंने जो है आपके चीजों को दर्शाया है, दिखाया है कि हम लोगों को किस तरह अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए। ये वाकई में एक तरह से मिसाल बनकर के वो गए और उन्होंने सारी चीजों को करके दिखाया, कुछ बता करके नहीं, सिर्फ कोई हिदायत सिर्फ ऐसे नहीं दी गई कि आप ये करिए आप ये करिए, देखो ये हम कर रहे हैं ऐसा। तो इसलिए हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के लिए एक रोल प्ले जो होता है, अगर एक बार हो जाता है तो फिर हम लोगों को इस तरह की जो है आपके एक तरह से दिक्कत भी नहीं आती। और रोल प्ले अगर एक बार हो गया तो हम लोग उसी नक्शे कदम पर अगर हम लोग चलें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।